जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। इंदू मिल के हस्तांतरण की प्रक्रिया हुई पूरी, मुख्यमंत्री ने की विधानसभा में घोषणा, जल्द शुरू होगा इंदू मिल पर बाबा साहब के स्मारक का कार्य। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा से की भेंट, दलाई लामा से उनके मठ में मुलाकात कर की बातचीत। और अमेरिका के न्यूजर्सी में रहने वाले निवासी मां बेटे की हत्या का मामला आया सामने, देश की संसद में उठाया गया मामला। अब खबरें विस्तार से। इंदू मिल की जगह पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक के निर्माण के लिए राज्य सरकार को मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन इंदू मिल का हस्तांतरण की औपचारिकता प्रक्रिया शनिवार को पूरी हुई, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में की और साथ ही अंबेडकर स्मारक को गति मिलने की बात कही। इस संदर्भ में आज केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृति ईरानी के साथ विधानसभा में बैठक हुई। इस बैठक में इंदू मिल की जगह महाराष्ट्र शासन को हस्तांतरित करने के कागजात दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री आठवले का आभार भी माना। महाराष्ट्र का 15 साल का संघर्ष मात्र इसलिए ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति में एक भव्य स्मारक बन सके इंदू मिल की जगह पर, वो संघर्ष आज समाप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई का आग्रह स्वीकार कर इंदू मिल के स्थान पर बाबा साहेब की पुण्य स्मृति में एक स्मारक बने, इसका न सिर्फ आश्वासन दिया बल्कि भारत सरकार की ओर से पूर्ण प्रशासनिक समर्थन भी दिया। आज शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि स्वयं महाराष्ट्र की विधानसभा में चलकर आए हैं कि बाबा साहेब की पुण्य स्मृति में जो स्मारक बनाने का महाराष्ट्र की जनता ने सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए हम स्वयं महाराष्ट्र की विधानसभा में आए और वो कागज महाराष्ट्र के प्रतिनिधि, जनता के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में स्वयं दें। एक बार फिर मेरी ओर से न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई, उनके पूरे प्रशासनिक टीम को, बल्कि विशेषतः महाराष्ट्र के नागरिकों को, भारतवर्ष के नागरिकों को इस पूरी कार्रवाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। या सभागृहाला याची माहितीच आहे की इंदू मिलच्या जागेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक भव्य स्मारक तयार करण्याच्या संदर्भात जवळजवळ 15 वर्ष संघर्ष सुरू होता, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 125 कोटी भारतीयांना जगण्याचा मार्ग दिला, त्यांचं स्मारक इंदू मिलवर व्हावं याकरता 15 वर्ष संघर्ष होऊन देखील एक इंच जागा गेल्या सरकारनं त्या स्मारकाकरता दिली नाही। मात्र हे नवीन सरकार आल्यानंतर देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी यांना मी स्वतः जाऊन भेटलो आणि त्यांना विनंती केली आणि आपल्याला कल्पना आहे की 3 दिवसांमध्ये माननीय मोदीजींनी त्या संदर्भातला निर्णय घेतला। पहिल्यांदा तत्वता निर्णय झाला, इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र सरकारला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मारक तयार करण्याकरता हस्तांतरित करायची। त्यानंतर कॅबिनेटचा निर्णय झाला, त्यात काही अडचणी होत्या, सीआरझेडच्या अडचणी होत्या, एनटीसीच्या कायद्याच्या अडचणी होत्या, त्या सगळ्या अडचणी दूर करून दरम्यानच्या काळामध्ये महाराष्ट्र सरकारला ही परवानगी दिली की त्या ठिकाणी स्मारकाचं काम तुम्ही सुरू करू शकता आणि त्यासंदर्भात आपण एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तरतूद केली, आता त्याचं टेंडर देखील आपण काढलं आहे, त्याचं भूमिपूजन देखील झालेलं आहे। ह्या सगळ्या मान्यता मिळत असताना देखील ऑफिशियली महाराष्ट्र सरकारच्या नावानं इंदू मिलची जागा ही झालेली नव्हती, सरकारनं केंद्र सरकारनं दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आपण त्या ठिकाणी काम करत होतो आणि सातत्याने हा प्रश्न विचारला जायचा की हे हस्तांतरण कधी होणार आहे। मला आज अत्यंत आनंद वाटतो की माननीय केंद्रीय मंत्री
स्मृति इराणी जी आज या ठिकाणी या सभागृहामध्ये या विधानभवनामध्ये आल्या होत्या आणि त्यांच्या माध्यमातून आणि माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी आपले सामाजिक न्याय मंत्री सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अशा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज इंदू मिलच्या जागेचं रितसर महाराष्ट्र सरकारचं नाव त्याच्यावर लावून हस्तांतरण हे झालेलं आहे आणि म्हणून मी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी जी यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींचे आभार मानतो याकरता सातत्याने प्रयत्न करणारे रामदास आठवले जी यांचे देखील मी अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो आणि हे निवेदन या ठिकाणी आपल्यासमोर सादर करतो केंद्र शासनाने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी अटर्नी जनरल यांचे मत घेऊन सिक टेक्सटाईल अंडरटेकिंग नॅशनलायझेशन ऍक्ट 1974 च्या कलम 11A खाली जागेचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला. स्टीव स्मिथ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने धर्मशाला टेस्ट से पहले शुक्रवार को तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा से उनके मठ में आशीर्वाद लिया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की इस धार्मिक गुरु से मुलाकात अच्छी रही क्योंकि हर किसी को उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता. ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व क्रिकेट में बिगड़ेल आक्रामक टीम मानी जाती है लेकिन जब आप धर्मशाला में हो तो शांत रहना सीखते हैं, खासतौर पर जब धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने जाएं. ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट मैच के एक दिन पहले दलाई लामा से मिलने गई. कप्तान स्टीव स्मिथ ने बताया कि उन्होंने दलाई लामा के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा. कि शांत कैसे रहा जा सकता है. साथ ही उन्होंने दलाई लामा से बेहतर नींद की टिप्स भी ली. दिस इज समथिंग आई थिंक नॉट वेरी गुड बिकॉज यू सी जॉनस हैड सम प्रॉब्लम सो आई फेल्ट I may win. So bad motivation, isn't it? Like that. And after I reach India, my old place there, Saw Ashram, you know, Saw Ashram, some kasati. Badmans. I do something, but without any rule. So now, last 58 years, India is our home. And then particularly Dharamsala, now 57 years. My home. So on that background, I want to welcome you. Thank you. Then I think I must take this opportunity to share some of my commitment. My number one commitment, promotion of sense of oneness of 7 billion human beings. दलाई लामा से मुलाकात के बाद स्टीव स्मिथ काफी खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि दलाई लामा ऑस्ट्रेलिया टीम को भारत में इतिहास रचने में मदद कर सकते हैं. स्मिथ ने बताया कि दलाई लामा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों ने आपस में नाक भी रगड़ी. बाइट स्मिथ. We haven't got a team yet. I'll name that at the toss tomorrow. So, the wicket, although there is some grass out there, it still looks pretty dry underneath. So, I think it'll take a reasonable amount of spin as the game goes on. I think first innings runs are going to be crucial, as they always are in test matches here in India. So, that's going to be important for us to go pretty big in the first innings. Simon Cadditch sent me an email overnight and said it's great what you guys have done so far throughout this series.
keep doing the same things and good luck in Dharamshala. So it was great to hear from Simon. But yeah, the stage is really set. As I said, it's an exciting time for this team. I guess for me though, it's not worrying about the end game and the result. It's about continuing to concentrate on our processes and making sure that we do those really well. And if we can do that again and do it for, you know, perhaps a little bit longer than we did in Ranchi or a bit longer than we did in Bangalore, and we can do that, then hopefully the result will take care of itself. This is back to the Dalai Lama. What sort of impact does he leave on you? Is there anything you can take from him, you can take into cricket and know what Yeah, probably just relax us a little bit. Yeah, he's all about sort of compassion and, you know, oneness for each and every human being. And, you know, it was great to hear something like that from, you know, someone as prestigious as the Dalai Lama. It was a great experience for all of us. And, yeah, I guess if we can learn anything from it, it's... Perhaps sometimes we get over the top when we're out there playing cricket. It's a tough game and things like that. But in the end of the day, it's just a game, and you know, you need to realise that at times. And you know, I guess that's something that this team can perhaps take from meeting with the Dalai Lama. Smith ne bataya ki unhone Dalai Lama se naak ragad kar achhi neend lene ki tips li hai. स्मिथ के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि वह अगले 5 दिनों तक सो सकेंगे स्मिथ के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि वह अगले 5 दिनों तक चैन से सो सकेंगे स्मिथ की माने तो दलाई लामा से मुलाकात करने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम काफी रिलैक्स महसूस कर रही है उन्होंने दलाई लामा को एक बेहतर इंसान बताया अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली एक भारतीय निवासी मां बेटे की हत्या का मामला सामने आया है जिसका मुद्दा शुक्रवार को देश की संसद में उठाया लेकिन इस हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली 40 वर्षीय यन शशिकला और उसके 7 वर्षीय बेटे अनिश की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी केरला की रहवासी मृतक एन शशिकला अपने पति हनुमंत राव के साथ पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रही थी जिनके पति जब हनुमंत राव जब घर पहुंचे तब पत्नी और बेटे की लाश घर में पड़ी मिली बताया जा रहा है कि मृतक शशिकला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम घर बैठे कर रही थी जबकि उनके पति हनुमंत राव भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये मुद्दा देश की संसद में भी गूंजा है जहां भारतीयों की हत्या के मामले को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की सांसदों ने गुजारिश की है माय सन इन लॉ सेंड ए मैसेज अंडर दैट इज फोन कॉल दैट माय डॉटर एंड ग्रैंडसन वर डेड खबर की ओर नागपुर शहर पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए जनता को दुर्घटना से बचाया नागपुर शहर पुलिस यातायात विभाग द्वारा इसका एक वीडियो जारी किया गया जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को फिर से ये गलती दोबारा नहीं करने का नागपुर पुलिस ने समुपदेशन दिया इस दौरान पकड़े गए लोगों ने भी शहर पुलिस के अभियान की सराहना की दारू घेतल्यामुळे मी ड्रंक अँड ड्राईव्ह ह्या केसमध्ये अडकल्या गेलो आणि माझ्यावर कलम लागली पण माझी समाजाला अशी विनंती आहे की दारू ही गोष्ट ही समाजाला हितकारक नाही आहे तर लोकांना नम्र निवेदन आहे की त्यांनी ही दारूचे व्यसन टाळावे होली के दिन जब ड्रंक ड्राइव में पकड़ा गया तो ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरे वेजेस गया मेरा समय गया और जो पूरा दिन मेरा कोर्ट में गया उसके वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट था मैं आज यहाँ पे दंड लाइसेंस के लिए मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके विपरीत परिणाम बहुत है तो नागपुर के जितने भी लोग हैं पूरे ओल्ड वर्ग सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ नागपुर शहर पुलिस के ओर के दारू ना ही पिए जिसके वजह से कि अपनी अर्धांगिनी पत्नी अपने बच्चे अपने पीछे जो इतना बड़ा परिवार है
इनकी दुर्दशा ना हो और अपने बच्चे अपने परिवार सड़क पे आए। एक चांगला उपक्रम होता हा, पण माझं असं मत आहे की 365 दिवस यांनी असा उपक्रम करून रोज करून याच्यावर आणखीन आळा घालण्याचा प्रयत्न करावा। धन्यवाद। होळीच्या दिवशी ड्रिंक घेऊन ड्रिंकिंग ड्राईव्हमध्ये सापडलो आणि माझ्या घरच्या लोकांना पण तकलीफ झाली आणि पुन्हा माझे सासू सासरे सगळे बोंबलले का तुम्ही कधी दारू न पिता कसे पेले। मित्रासोबत पेलो पण याच्याबाद मी पिणार नाही। सर्व मित्रांना हे सांगतो की दारू सोडून द्या, दारूपासून घराच्या हानी आहे, मुलाबाळाच्या हानी आहे आणि देशाची पण हानी आहे। हाल ही में हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भाजपा ने बहुमतों से जीत हासिल की है, जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टी और नेताओं द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी पर आरोप लगाए गए। इसी मुद्दे को लेकर भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में ईवीएम विरोधी कृति समिति की ओर से पुणे शहर में मोर्चा निकाला गया। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा चुनाव के बाद गर्मा रहा है। देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर पूना में ईवीएम विरोध कृति समिति की ओर से प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा शनिवार वाड़ा से काउंसिल हॉल तक निकाला गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। तो इलेक्शन होने के अगोदर मी त्या ठिकाणी म्हणालो होतो की परिस्थिति बीजेपी च्या बाजूने नाही, पण बीजेपी जिंकली तर ईवीएम ने जिंकवलं असं असतं ठरून घ्या। माझं ते म्हणणं आता खरं ठरलेलं आहे की ईवीएम ने जिंकवलेलं आहे। आम्ही इले हे करत असताना अधिकाऱ्यांनी ज्या चुका केलेल्या आहेत त्या चुकांवरती बोट दाखवत निवेदन आमचं दिलेलं आहे की मतदान जे झालं आहे आणि काउंटिंग जे झालं आहे याच्यामधला असणारा तफावत आहे आणि म्हणून या तफावतीचा निष्कर्ष जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत निकाल देता येणार नाही अशी कायद्याची तरतूद आहे। केली होती त्या मशीनची कंप्लेंट, त्यांनी कंप्लेंट केली होती त्यावेळेस। आताही इलेक्शन सुब्रमण्यम स्वामीच्या जजमेंटमध्ये इलेक्शन कमिशननेच मान्य केलेलं आहे की ही ईव्हीएम मशीन मॅन्युप्युलेट होऊ शकते म्हणून, तरी पण म्हणून आम्ही म्हणतो की बॅलेट पेपरवरती पुन्हा या। इस दौरान जिल्हाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। इस दौरान पूर्व न्यायमूर्ति कुलसे पाटिल ने विचार व्यक्त किए और ईवीएम में गड़बड़ी के कारण राजनीति में बदलाव और संविधान के सम्मान को खतरा बताया। राजमोहन गांधी यांची भारतभर यात्रा काढावी असा मानस होता आणि त्यामुळे मी प्रकाशला राजीनामा दिल्यावर न्यायमूर्ती पदाचा भेटलो, म्हणजे तू आणि राजमोहन गांधी आम्ही आता देश बदलायला निघालो असे भाषण आपण जाऊ। महाराष्ट्र में किसान पर मचे बवाल को देखते हुए किसान नेता और दैनिक देशोन्नति अखबार के संचालक व प्रधान संपादक प्रकाश पोहरे ने किसानों को केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किए जाने का आरोप राज्य के राजनेताओं पर लगाया। प्रकाश पोहरे ने कहा कि किसानों के प्रति कोई भी सरकार गंभीर नहीं है। देखते हैं प्रकाश पोहरे से खास बातचीत की कुछ मुख्य झलकियां। किसान आत्महत्या मैंने फ्रंट पर डालना चालू कर दिया था, फ्रंट पे कृषकोन्नति देशोन्नति सभी मेरे जितने भी संस्करण हैं उसके अंदर फ्रंट में मैं ये न्यूज 2001 से डालना चालू किया। उसके बाद में 2003 में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, उस समय पर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें उनको बताई और उसको उनको सीरियस इसके बारे में होने के लिए बोला। आपको मजाक लगेगी, एक बार विलासराव देशमुख अकोला में आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई अखबार वाले ऐसे हैं कि बोले जो किसानों की आत्महत्या क्रिकेट के स्कोर बोर्ड के जैसी अपने अखबार में छापते हैं। क्योंकि मैं क्या करता था कि भाई कल तक के कितनी हुई, पिछले साल कितनी हुई, कल तक कितनी हुई, ये महीने में कितनी हुई और आज कितनी हुई, कुल कितनी हुई, ऐसा रोज डालता था मैं। तो उसके ऊपर उन्होंने टिका टिप्पणी किया तो मैंने फिर दूसरे दिन मेरे अग्रलेख में लिखा कि भाई ये अगर आपको लगता है कि ये शर्मनाक बात है, ये क्रिकेट के स्कोर और आपको बड़ा इसके बारे में नागवार चीज़ें अगर आपको ये लगती है तो ये इसके बारे में सीरियस हो जाइए ना, ये रूट कॉज क्या है वो ढूंढिए और उसके बारे में इलाज करिए और आप मुझे बुलाइए, मैं बताता हूँ रूट कॉज क्या है इसका। लेकिन क्या है मैं बताता हूँ आपको, किसी भी लोगों को ये किसानों के, क्योंकि कैसा है देखिए, इनको कुछ चर्चा के लिए और हमदर्दी जीतने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए। सत्ताधारी और विरोधी या कोई भी पॉलिटिक ये नहीं चाहता कि ये मुद्दा जो है ये सुलझ जाए। देखिए कोई शहरों के अंदर डांबर के रास्ते रहते हैं, अभी तुम्हारे नागपुर के अंदर कॉन्क्रीट के बन रहे हैं, जो डांबर के रास्तों में क्या होता है कि पानी आ गया, थोड़ा बहुत खड्डे गिर गए, वापिस से मरम्मत, तो हर साल हर रास्ते के ऊपर करोड़ दो करोड़ तो अपने चेले चपाटे इनके कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से इनको ये जो किसान का मुद्दा है इलेक्शन के लिए इनको कुछ तो लगेगा। देखिए मूल रूप से बात ये होती है,
पहली बात तो कर्ज माफी क्यों, मेरा खुद का विरोध है, मेरा खुद का विरोध है कर्ज माफी को। मेरा बोलना है हमारे लिए कर्ज माफी क्यों, लेकिन सर एक राज्य को कर्ज माफी देती है। नहीं नहीं सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना आपको, कर्ज माफी क्यों, माफी किसको होती है, चोरों को। क्या किसान चोर है, क्या हम ऐदी है, क्या हम खेती में काम नहीं करते, पसीना नहीं बाते, क्या उत्पादन नहीं करते हम लोग, हम क्या बेअक्कल है, हमको समझता नहीं है। हमारा कहना है हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए। ये बातें जब मैं ऐसा लिखता था 2007 में, उस समय के पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी के साथ में मेरी 40 मिनट की मुलाकात रुकी थी, ठहरी थी, और 40 मिनट की मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट चली। सारी बातें मैंने बहुत मुद्दे सूद से मनमोहन जी के सामने रखी। उसका नतीजा यह हुआ कि बैद्यनाथन समिति का चयन हुआ, उसके बाद में और एक महीने के बाद में फिर उस समय पे 72,000 करोड़ की कर्ज माफी उस सरकार ने लाई। वो जो चीज़ें हुई उस समय, और वो 72,000 करोड़ में इन्होंने एक जो था ना पंच मार दिया कि 5 एकड़ के नीचे का किसान, और उसी के कारण सारी की सारी विदर्भ के किसानों की दुर्गति हुई। 5 एकड़ का किसान बोले तो विदर्भ में कोई बहुत कम है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा हुआ क्या तो पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कर्ज माफी 6,000 करोड़ रुपये पश्चिम महाराष्ट्र में गए। और जहाँ पर जिसके कारण ये मुद्दा उठा, जो विदर्भ के 11 जिलों के कारण ये मुद्दा उठा, वो 11 जिलों के अंदर 2,000 करोड़ आए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों होने से एकड़ के लिए 5,000 रुपये, 5 एकड़ के लिए 5,000 18,000-20,000 रुपये किसानों को कर्ज था, तो उतनी माफ़ी हुई। तो और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर तो एक एक किसान को 5 लाख से लेकर तो 50 लाख, ऐसे वही मुझे कई किसान मालूम है कि जिनके 70-70 लाख रुपए माफ हुए, नामों के साथ बता सकता हूँ क्यों हुए। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कुक्कुट पालन का कर्जा डाल दिया, डेयरी का डाल दिया, पाइपलाइन का डाल दिया, लिफ्ट इरीगेशन का डाल दिया। मेरा बोलना है कि भाई ये किसानों को ही कर्ज माफी की जरूरत क्यों। मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अभी देखिए आज से छः महीने पहले यानी इन द मंथ ऑफ मई जून, इन द मंथ ऑफ मई जून तुअर के भाव जो थे बाजार के अंदर वो हो गए थे 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 तक की तुअर पहुंच गई थी। चूंकि वो जो पीरियड था वो पीरियड बुआई का पीरियड था, बुआई का पीरियड था, तो हम लोगों ने क्या किया किसानों ने कि भाई हमारी आशा जागृत होगी कि चलो भाई तुअर अगर लगाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, दो पैसे मिलेंगे। बहुत लोगों ने दुनिया भर की तुअर लगा दिया, गवर्नमेंट उसके ऊपर, कृषि मंत्री ने उसके ऊपर ये बोल दिया कि देखो ये साल हमारे कहने से, हमारे प्रयत्नों से ये साल तुअर यानी दलहन ज़्यादा लगे। तो कृषि मंत्री का क्या क्रेडिट है इसके अंदर, ना सेंट्रल के ना स्टेट के। अरे भैया भाव अच्छे थे करके हमने लगाए, बाद में क्या हुआ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी अभी है, जो ये विरोध कर रहे हैं, उसी समय पर जब 2014 में इलेक्शन का प्रसार और प्रचार कर रहे थे देवेंद्र जी, उस समय पर इनकी मांग थी कि सोयाबीन को 7,000 रुपये 6,000 रुपये भाव कम से कम मिलना चाहिए, जबकि सोयाबीन को 3,800 रुपये भाव बाजार में था उस समय पे। उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पे इनका ये था कि आप हमको सत्ता में बैठाओ हम 6,000 रुपये भाव देंगे, और हम डिंडी निकाल रहे हो उनकी कैसेट पे, क्या बोलते हैं, वीडियो भी है, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है इसके बारे में। चंद्रपुर में महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं। अम्बेडकरवादी पार्टियों में बसपा को अपनी पहली पसंद बताते हुए 5 कार्यकर्ताओं ने बसपा में प्रवेश किया, जिसकी जानकारी देने के लिए चंद्रपुर में बहुजन समाज पार्टी ने पत्र परिषद ली। इस दौरान बसपा के सांसद वीर सिंह और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विलास गरुड़ की मौजूदगी थी। इस दौरान वीर सिंह ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए। नगर पालिका के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन होगा, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी रिट दायर करने जा रही है 1-2 दिन में ही, जिसकी तैयारी की जा रही है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में बनी सरकार के द्वारा ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग करके सत्ता हत्याई गई है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, ऐसी आशंका हमें इस महानगर पालिका के चुनाव में भी लग रही है कि यहाँ भी गड़बड़ी कर सकते हैं ये, तो उसके लिए सारी पार्टियां विरोध में हैं इसके, और बहुजन समाज पार्टी तो न्यायालय में जा रही है इसके खिलाफ, और न्यायालय से जो भी आदेश होगा हम उसका सम्मान करेंगे। बुरहानपुर में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ईवीएम मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर लाओ, इस मुद्दे को लेकर तहसील कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए गए।
साथ में भारत मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में सभी विंग्स ईवीएम मशीन से होने वाले चुनाव प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता जो है वो अनपढ़ है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। यही कारण है कि भारत में आज भी सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो नाम नहीं पढ़ पाते हैं, जो निर्वाचन उम्मीदवार है उसका नाम नहीं पढ़वाते, वो कमल, हाथ का पंजा, हाथी, गदा, ये सब चुनाव चिन्हों को पहचान के अपना ठप्पा लगाते थे। आज ईवीएम मशीन में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में बनी वो मशीन, उसके साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, वो कुछ भी छेड़खानी करके चुनाव जीत सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। इसलिए ईवीएम मशीन को तुरंत प्रभाव से बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव हो, यदि भारत के लोकतंत्र को बचाना है, भारत के स्वतंत्रता को बचाना है, भारत के स्वाभिमान को बचाना, संविधान को बचाना है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इसकी हम संपूर्ण भारत में करोड़ लोगों के साथ में मांग करते हैं। अगला क्या एक्शन रहेगा? अगला एक्शन हमारा यह है कि आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में रास्ता रोको करेंगे, आने वाले दिनों में हमारा जो आंदोलन है वो शांति रूप से लहेगा, लेकिन उग्र रूप धारण कर सकता है। यशवंत महाविद्यालय के राज्यशास्त्र और लोकशास्त्र और दैनिक सत्यप्रभा, इनके तत्वधान से महाराष्ट्र के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर आर डी साबले लिखित भारतीय संविधान के अंतरंग इस परिसंवाद अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस इनके हाथों नांदेड़ में समापन हुआ। यशवंत महाविद्यालय में डॉक्टर आर डी साबड़े द्वारा लिखित भारतीय संविधान के वैचारिक अंतर्गत इस ग्रंथ पर आयोजित परिसंवाद का आयोजन किया गया था, जिसका समापन अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस इनके हाथों हुआ। इस दौरान आर डी साबड़े द्वारा लिखित पुस्तक के कई पहलू पर परिसंवाद भी हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर साबड़े लिखित संविधान का अंतरंग इस विषय के बारे में बहुत ही अच्छा परिसंवाद इस यशवंत कॉलेज में आज संपन्न हुआ। फिलहाल का वर्तमान माहौल बहुत ही भारतीय राष्ट्रीयत्व के हिसाब से बहुत गलत है, विरोधी है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत और भाजपा मुक्त भारत, ये जो दो घोषणा दो प्रमुख दलों से पूरे देश भर गूंज रही है, ये लोकशाही के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की स्वतंत्रता का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, उसका उस योगदान को मिटा देना मैं सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। दूसरी बात, लोकशाही में हर पक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए भाजपा हो या और कोई पक्ष हो या कांग्रेस हो, सभी पक्षों की आज़ादी और सभी पक्षों की भूमिका लोकशाही की समृद्धि के हिसाब से बहुत ही आवश्यक लगती है। इस परिसंवाद में प्राध्यापक अजय गवाह ने कविता सोनकांबले सहित शहर के कई गणमान्य मौजूद थे। संग्रामपुर तहसील के कृषि अधिकारी कार्यालय में कृषि सहायक और अतिरिक्त प्रभार मंडल कृषि अधिकारी वर्ग को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बुल्ढाना के रिश्वत प्रतिबंधक दस्ते ने ये कार्रवाई की है। रिश्वत लेते पकड़े गए कृषि सहायक का नाम अशोक चिधाजी नांदवे बताया जा रहा है। किसान के खेत जेबुल को मंजूर करने के लिए इस अधिकारी ने 2000 की मांग की थी, जिसके बाद इसे रंगे हाथों पकड़ा गया। नासिक शहर में पुलिस भर्ती के दरमियान भर्ती के लिए आए एक जवान ने पुलिस को ही बेवकूफ बनाने का मामला सामने आया है। राहुल किशन पाटिल इस जवान ने भर्ती के दौरान अपनी ऊंचाई अधिक बढ़ाने के लिए अपने सर पर नकली बाल लगाए, लेकिन एक हवलदार को संशय आने पर पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद इस युवक का प्रवेश रद्द करते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात पुलिस ने की, साथ ही जवानों को ऐसा कुछ न करने की हिदायत भी दी। आजचा दिवस आमचा चौथा दिवस आहे पोलीस भरती नाशिक शहरामधला। त्याचं नाव आहे किसन पाटील, त्र्यंबकेश्वरन आला आहे। पहिल्यांदा आम्ही जेव्हा त्याची हाईट घेतली तेव्हा तो हाईटमध्ये पास झाला होता, परंतु आमच्या एका चाणाक्ष कॉन्स्टेबलला त्याची शंका आली आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्याला चेक केला असता त्याने हे टोप असं हे खोटं टोप घातलेलं आहे। त्या खोट्या टोपच्या आतमध्ये देखील त्यांनी असे केस त्याने चिटकवलेले आहेत की जेणेकरून त्याची हाईट ही 165 सेंटीमीटरच्या वरती बसावी। त्याच्यामुळे आमच्या एका चाणाक्ष कॉन्स्टेबलमुळे हा फ्रॉड आम्ही आत्ता पकडलेला आहे, त्याला आता आम्ही डिस्क्वालिफाय केलेला आहे, त्याची तशी स्टेशनरी एंट्री देखील गेलेली आहे। त्याच्यावर आता काय गुन्हा दाखल करायचा किंवा पुढची कायदेशीर कारवाई जी काय असेल ती मी आता करत आहोत। त्याच्यामुळे सगळ्यांना आवाहन आहे कॅन्डिडेट्सला
की अशा भूल थापांना कोणी बळी पडू नये, तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील आणि तुमचं करिअर त्याच्यामधून बदनाम होऊन जाईल. धन्यवाद. परभनी शहर से भदंत उपगुप्त और भदंत पयानंद के मार्गदर्शन में श्रीलंका और भूटान यात्रा के लिए उपासक रवाना हुए. श्रीलंका के लिए 23 और भूटान के लिए 10 उपासक रवाना हुए. ये यात्रा बौद्ध अभ्यासक दौरे के नाम से भी जानी जा रही है. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर बौद्ध उपासकों को रवाना करने के लिए कई यात्री पहुंचे और उन्हें यात्रा के लिए मंगल कामनाएं दी. आज पूर्णा येथून 10 उपासक भूटान येथील धम्म दर्शन सहलीसाठी निघालेले आहेत. भदंत उपगुप्त महातेरो यांचं सतत म्हणजे मार्गदर्शन आहे, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ही ट्रीप निघालेली आहे. आमचे आरबी सोनुले, केशवजी जोंधळे, कदम बाबा, शहर गौतम कांबळे आणि सर्वच उपासक यामध्ये आहेत. तेव्हा या 10 दिवसीय दौऱ्यामध्ये भूटान येथील जे काही महायानी पंथामध्ये मोठमोठे जी विहार आहेत आणि तिथली जी संस्कृती आहे पारंपरिक, ती संस्कृती पाहण्यासाठी तिचा एक अभ्यास म्हणून एक दौरा करण्यासाठी आम्ही भूतानला जात आहोत. दौऱ्यावर भिक्खू संघाबरोबर जात आहोत. श्रीलंका हा बौद्धांचा देश असल्यामुळे तेथील संस्कृती, तेथील चालीरीती कशा करतात, कशा जपाळ्या. श्रीलंका एक बौद्ध देश आहे आणि अशोकापासूनची परंपरा त्या देशाला असल्यामुळे तिथे एक संघमित्र आणि महेंद्र यांच्या रूपाने बौद्ध धर्म तिथे गेला. बौद्ध राजे होते तिथे, इंग्रज, फ्रेंच, डच आले, परंतु बौद्धांचं साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात त्या श्रीलंकेत राहिलं. आणि सहल निघाली आहे, बौद्ध सहल भूतान येथे. या बौद्ध सहलीसाठी जे पूर्णा येथील सर्व उपासक उपासिकांनी आम्हाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, या सर्व प्रवाशांना शुभकामना दिलेल्या आहेत. बौद्ध धम्म इतर देशांमध्ये भी कोणत्या प्रकारे कशा प्रकारे चालतो आहे, वावरतो आहे, या उद्देशाने ही सहल आहे. बारामती पंचायत समिति को जिलाध्यक्ष विश्वास देवकाटे ने भेंट दी. इस दौरान हमारे संवाददाता से बात कर रहे बारामती के विकास पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि बारामती को टैंकर मुक्त करने की हमारी कोशिश है. बारामती तालुका में आज जिला अध्यक्ष पद मिला है, वो अपने साथ नाना पाटिल देवकाटे अपने साथ है, बताएंगे किस तरह का आगे का उनका कामकाज रहेगा और किस तरह वो काम करेंगे. नाना जी आप बताओ आपका नाम क्या है और किधर के रहेंगे. मैं बारामती तालुका में निरावागत गांव का रहवासी हूँ. मैं अभी जिला परिषद को अध्यक्ष करके मेरे नेते अजीत पवार राष्ट्रवादी पार्टी से मैं चुनाव जीत गया हूँ और उसने सब ने मिल के मेरे को प्रेसिडेंट का बहुमान दिया है. पिछले साल भी पिछले चुनाव भी आपने चुनाव जीत कर जिला परिषद में चुनाव जीता था, आपको बहुत ऐसा अनुभव है और आगे की जो सब राष्ट्रवादी कांग्रेस भाई दोनों पार्टी ने मेरे पे प्यार जताया, बहुत बढ़िया किया. मेरे को राष्ट्रवादी पार्टी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने उनके साथ काउंसिलर मेरे साथ है, उन्होंने सातों के सातों वोट दे दिए. ऐसे करके हमने मिलजुल के काम करने का सब गठबंधन बनाया है. आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. जय भीम.